ओके हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस बर्ड्स। आज हम फिजिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। सीनियर क्लास के अंदर जो फिजिक्स का टॉपिक चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट टॉपिक है, इसके बारे में आज हम देखते हैं। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में अपन बता देते हैं। बेसिक नॉलेज होनी सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस चैप्टर में अपन किस बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ये एक सब ब्रांच होती है, मेन ब्रांच जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी कैन स्टडी द चार्जेस, यानी इलेक्ट्रिसिटी वो ब्रांच है जिसके अंदर अपन चार्जेस की स्टडी करते हैं। इसके थ्रू अपने दो सब ब्रांच बनाई है, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक और जो दूसरी ब्रांच है हमारी वो है इलेक्ट्रो डायनेमिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट फॉर्म करते हैं, मतलब चार्ज जब किसी पॉइंट पर स्टेशनरी कंडीशन में है तो उसकी स्टडी अपन इस ब्रांच में करेंगे। दूसरी ब्रांच हमारे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक है स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशनल फॉर्म, लेकिन अभी हमारे ये सिलेबस से बाहर है, मतलब अभी अपन को क्या किस पर फोकस डालना है, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? चार्ज की रेस्ट फॉर्म की स्टडी। आपने यहां पर तीनों चीजों में कॉमन चीज देखी होगी कि चार्ज हर जगह आ रहा है, मतलब पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं चार्ज के ऊपर बेस्ड है। चार्ज क्या है? चार्ज जो है, चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस विच कैन नॉट पार्टेड फ्रॉम अ सब्सटेंस, मतलब चार्ज किसी सब्सटेंस की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसे हम किसी सब्सटेंस से पार्टेड नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। देखिए कैसे है, मान लीजिए आपके पास कोई सब्सटेंस है, कोई एटम है, इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है, नेगेटिव, यानी बेसिकली क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। अब हम इस एटम के साथ दो प्रोसेस कर सकते हैं, या तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं या इसमें इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अब दोनों ही कंडीशन में, चाहे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो माइनस चार्ज बाहर चला गया, कौन सा चार्ज डेवलप हो गया इसके ऊपर, पॉजिटिव, और अगर इलेक्ट्रॉन इसको अपन देते हैं तो इसके पास एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी कौन सा चार्ज डेवलप हो गया वहां पर, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब किसी भी कंडीशन में चाहे इलेक्ट्रॉन अपन उससे लें या इलेक्ट्रॉन दे, कोई ना कोई चार्ज हमेशा इसके ऊपर प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। तो चार्ज वो बेसिक प्रॉपर्टी हो गई जिसे हम सब्सटेंस से सेपरेट नहीं कर सकते। चार्ज जो है वो अपन को दो फॉर्म में मिलता है, एक तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा चार्ज है नेगेटिव चार्ज। चार्ज की हमने दो कैटेगरी बनाई है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस कैटेगरी के बेस पे अपन यहीं से डेफिनेशन भी डेवलप कर लेते हैं इसकी। जैसे अपन ने बताया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रलाइज रहता है कोई भी एटम। अब हमने क्या किया कि किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पर जितना मास होता है, कितना मास है इलेक्ट्रॉन पर, 9.1 × 10⁻³⁻³⁻⁻³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 
एफिशिएंसी हो गई। अब इलेक्ट्रॉन जब बाहर गया तो उस कंडीशन में अपने आप कौन सा चार्ज डेवलप हो जाता है? पॉजिटिव। तो हम पॉजिटिव चार्ज की क्या डेफिनेशन बना सकते हैं? द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी वहां पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव। अब नेगेटिव चार्ज किसे कहते हैं? अगर मान लीजिए अपन किसी एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो किसी सब्सटेंस को अगर अपन इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका मतलब वहां पर माइनस चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन यानी 9.1 × −10⁻³⁰ किलोग्राम मास भी और आ जाएगा। तो इसका मतलब इतना मास उसमें एक्सेस में आ गया, तो इलेक्ट्रॉन भी एक्सेस में हो गए। तो डेफिनेशन क्या बनी? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए तो वहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो चार्ज दो तरह के हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से डेवलप होता है और दूसरा चार्ज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से डेवलप होता है। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर गया या हम इलेक्ट्रॉन को लेके आए तो चेंज इन मास हुआ। जो सब्सटेंस है उसका मास चेंज हो जाता है, या तो बढ़ गया या फिर कम हो गया। तो कुछ न्यूमेरिकल्स में काम आता है ये फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला बन गया इस चैप्टर का। चेंज इन मास डेल एम इज इक्वल्स टू एन इंटू एम ऑफ ई।
Here n is number of electron and m of e is mass of electron, which is 9.1 into 10 to power minus 31 kilogram. तो हमने चार्ज की बेसिक चीजें देख ली, चार्ज की डेफिनेशन देख ली और चार्ज के टाइप्स देख लिए. चार्ज दो टाइप का हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव. अब हम आगे देखते हैं मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज, कि चार्ज को कैसे अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो चार्ज को प्रोड्यूस करने के बेसिकली तीन मेथड हैं. सबसे पहला वाला मेथड है आपके पास चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. सबसे पहले जो चार्ज था वो फ्रिक्शन से डेवलप किया गया था. उसके लिए सबसे पहले साइंटिस्ट आए थिल्स, और थिल्स ने एक सब्सटेंस लिया अंबर. अंबर ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, वैसे इसे इलेक्ट्रम भी कहते हैं. अंबर जो है इसको इन्होंने रब किया वूल के साथ, तो देखा कि ये लाइट बॉडीज को अपनी तरफ क्या करने लग गई, अट्रैक्ट करने लग गई. इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए गिलबर्ट, और गिलबर्ट ने ग्लास रॉड ली और एक एबोनाइट की रॉड ली. ग्लास रॉड को तो उन्होंने रब किया सिल्क के साथ, और एबोनाइट रॉड को इन्होंने रब किया फर के साथ. इस रबिंग से इन्होंने भी ये देखा कि ये भी लाइट बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग गई. इन दोनों एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकाला गया कि जब दो सब्सटेंस को आपस में रब करते हैं तो इस रबिंग से एक ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप होती है कि अपोजिट चार्ज वाली बॉडी को ये सब्सटेंस अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाते हैं. इस अट्रैक्शन से चार्ज डेवलप होता है, और इस पूरे एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं अपन, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. फ्रिक्शन से हमने यहां पर क्या डेवलप कर दिया, चार्ज डेवलप कर दिया. डेली लाइफ में भी अपन इसके कई एग्जांपल देखते हैं. जैसे अपन मान लीजिए कि कुर्सी पर बैठ जाएं और पीछे से अपन किसी कपड़े से अगर किसी को मारते हैं, बाद में उसके हाथ लगाते हैं, तो अपन को वहां पर एक झटका सा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि वहां पर चार्ज प्रोड्यूस हो गया. वो भी एक फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का ही एग्जाम्पल है. अब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से दो ग्रुप में हमने चार्जेस को बांट लिया, जो आगे आपके स्टडी में भी काम में आएगा. तो यहां मैंने एक टेबल बना रखी है, उसके अंदर लिख रखा है किसके ऊपर पॉजिटिव और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज के अंदर हमने ग्लास रॉड लिख रखी है, और नेगेटिव चार्ज में हमने सिल्क क्लॉथ लिख रखा है. मतलब ये हुआ कि ग्लास रॉड जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसके ऊपर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन थे. इसने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, सिल्क को दे दिए. तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव. सिमिलरली कैट स्किन जो है उसके साथ एबोनाइट की रॉड को हम ग्रुप में ले सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं. फर के साथ प्लास्टिक रॉड काम आ जाती है. वुलन क्लॉथ के साथ हम रबर की जो भी चीजें बनी होती हैं वो काम में ले सकते हैं. तो ये आपको एक टेबल मिल गई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले सब्सटेंसेस की. ये पहला आपका हो गया चार्ज को प्रोड्यूस करने का मेथड. जो सेकंड मेथड है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन. इंडक्शन में क्या होता है कि दो सब्सटेंस को आप कॉन्टेक्ट में भी नहीं लाते और चार्ज प्रोड्यूस करवा देते हैं. इसके लिए हमने प्लास्टिक रॉड ले ली. अपन ने टेबल में पहले ही देख लिया था प्लास्टिक रॉड पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. तो हमने देखिए प्लास्टिक रॉड पर नेगेटिव चार्ज दे दिया, और इसके साथ एक अनचार्ज स्पीयर रख दिया. अनचार्ज स्पीयर का मतलब उसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, बेसिकली न्यूट्रलाइज है. अब इन दोनों को जैसे ही हम पास में लेके आते हैं तो इनके अंदर होता है इंडक्शन. इंडक्शन से क्या होता है, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होके आगे की तरफ आ जाएगा, और जितना नेगेटिव चार्ज है वो रिपल्शन फोर्स के कारण पीछे चला जाएगा. ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये सारा पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होके आगे ना आ जाए, और सारा नेगेटिव चार्ज रिपल्शन फोर्स लगा के पीछे न चला जाए. जब नेट फोर्स F इज इक्वल्स टू जीरो हो जाए, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहां पर पॉजिटिव चार्ज को तो आगे रखते हैं क्योंकि ये तो अट्रैक्ट कर रहा है किससे, प्लास्टिक रॉड से, और जितना भी नेगेटिव चार्ज है उसको ग्राउंडेड कर देते हैं. मतलब सारे इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं, ग्राउंड में. और अगर अपन क्या करें, प्लास्टिक रॉड को हटा दें, तो ये चार्ज स्पीयर जो है ये पॉजिटिवली क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा. तो ये दूसरा मेथड हो गया चार्ज प्रोड्यूस करने का. ओके. जो थर्ड मेथड है हमारे पास वो है चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट. कॉन्टेक्ट से किस तरह से चार्ज डेवलप होता है,
हमने यहाँ पर दो बॉडी ले ली, ए तो है चार्ज्ड बॉडी और इस चार्ज बॉडी के ऊपर अपने पास क्यू चार्ज है, दूसरी बॉडी अनचार्ज है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, क्यू इज इक्वल टू जीरो। बाय मेकिंग कॉन्टेक्ट, जब हम इन्हें कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो ये दोनों जो चार्जेस हैं वो इनके जुड़ जाते हैं, q प्लस जीरो, यानी टोटल चार्ज कितना हो गया दोनों ऑब्जेक्ट पर मिला के q। पर जैसे अपन इसे पार्टेड करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो ये हाफ हाफ चार्ज लेकर चले जाते हैं, ए वाली बॉडी पर q बाय टू चार्ज आ गया और सिमिलरली बी बॉडी जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था वो भी q बाय टू चार्ज लेते हुए अलग हो गई। तो इसका मतलब अनचार्ज बॉडी को भी हम कॉन्टेक्ट से क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो ये तीन मेथड हो गए चार्ज को प्रोड्यूस करने के। लास्ट वाला मेथड है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स अब हम डिस्कस आगे करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, अगला टॉपिक। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस जो है, चार्जेस में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको यहां बता रहा हूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम की अगर अपन बात करें तो उसमें जितने भी चार्जेस होते हैं उन सब से जो टोटल चार्ज डेवलप होता है वो अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस के बराबर होता है, यानी समीशन q इज इक्वल्स टू q1 प्लस q2 प्लस q3 एंड सो ऑन q ऑफ n। यानी अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, कोई सा भी चार्ज हो, वो सभी जुड़ के किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज बन जाता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी बताती है चार्जेस के सम के बारे में, यानी एडिटिविटी के बारे में। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इट मींस चार्ज जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, जितना चार्ज रेस्ट फॉर्म में रहता है उतना ही चार्ज मोशन फॉर्म में रहता है, चार्ज की वैल्यू वेलोसिटी पर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती। तीसरी जो प्रॉपर्टी है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके पीछे बेसिकली रीजन क्या है स्केलर क्वांटिटी होने के पीछे, कि चार्ज जो होता है आपका, चार्ज में दो प्रॉपर्टी तो मिलती हैं कि चार्ज में डायरेक्शन भी होती है, चार्ज में मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन चार्ज वेक्टर एडिशन रूल को होल्ड नहीं करता, इसी कारण से चार्ज को क्या माना जाता है, स्केलर माना जाता है। फोर्थ जो है वो प्रॉपर्टी है चार्ज की, कि चार्ज जो है वो तीन फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट रहता है, फर्स्ट रेस्ट फॉर्म में, सेकंड मोशन फॉर्म में और थर्ड एक्सेलरेटेड मोशनल फॉर्म में। रेस्ट फॉर्म में जब भी चार्ज रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, मोशनल फॉर्म में इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड मिला के डेवलप होती है, और तीसरा है एक्सेलरेटेड मोशन चार्ज, उसके अंदर ईएम वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डेवलप करता है। तो चार्ज की तीन फॉर्म हो गई, रेस्ट, मोशनल और एक्सेलरेटेड मोशनल, और इनके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशनल में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड और एक्सेलरेटेड मोशन में ईएम वेव्स डेवलप करेगा। अगली जो प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के कंजर्वेशन के बारे में पढ़ते हैं अपन, कि चार्ज जो है वो न तो क्रिएट किया जा सकता है न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, पर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में या एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी समेशन क्यू जो है हमेशा क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। इसका अपन कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर कि अपने पास यूरेनियम है 92 यूरेनियम 238, अपन ने उसको दो पार्ट में तोड़ दिया, एक थोरियम बन गया 90 थोरियम 234 और प्लस 2Hg4। तो शुरू में 92 इलेक्ट्रॉन्स थे और तोड़ने के बाद 90 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स बन गए, तो 92 के 92 इलेक्ट्रॉन रहे लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। एक और एग्जाम्पल लें इसका, कोई आइसोलेटेड सिस्टम हमने ले लिया, उसमें अभी हमने बात करी थी सिल्क और ग्लास रॉड की, ग्लास के ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम के अंदर ही जो सिल्क है उसको दे देता है, तो ग्लास इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, सिल्क को, तो ग्लास पे से तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इसी कारण से जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज और जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में केवल किसी सिस्टम में ही ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो चार्ज होता है किसी बॉडी पर
वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होता है, यानी चार्ज जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स और बंडल्स की फॉर्म में मिलता है, जिसे अपन फोटोन या क्वांटा भी कहते हैं। जो चार्ज है क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस वन ई प्लस माइनस टू ई प्लस माइनस थ्री एंड सो ऑन प्लस माइनस एन ई तक मिलता है, यानी इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल की फॉर्म में मिलेगा। इलेक्ट्रॉन का वन टाइम मल्टीपल, इलेक्ट्रॉन का टू टाइम मल्टीपल, ऐसे करके एन टाइम मल्टीपल तक मिल सकता है। तो बेसिकली जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई बन जाता है। प्लस माइनस किसको डिनोट करता है, पॉजिटिव मीन्स हो गया यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और माइनस मीन्स में हो गया यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई यहाँ पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम के बराबर होता है। तो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। चार्ज को आइडेंटिफाई करने के लिए एक एपरेटस काम में लेते हैं, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप जो है, देखिए यहां पर मैंने इलेक्ट्रोस्कोप आपका बना दिया है। इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर यहां पर एक ग्लास जार होता है, इसके ऊपर एक कॉक लगी होती है और ऊपर एक मेटल नॉब मिलती है। जिस चार्ज बॉडी का अपन को चार्ज आइडेंटिफाई करना है, उसको अपन इस मेटल नॉब के पास लेके आते हैं। मेटल नॉब से होता हुआ चार्ज यहां पर मेटल रॉड के थ्रू ये जो नीचे दो गोल्ड लीफ लग रही हैं, इन लीफ तक पहुंचता है। अब क्योंकि दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये लीफ डाइवर्ज कर जाएंगे। डाइवर्जन ऑफ लीफ रिप्रेजेंट द पोलरिटी ऑफ चार्ज। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा, उतनी ही ज्यादा ये लीव्स डाइवर्ज हो जाएंगी, उतनी ही ज्यादा ये लीव्स फैल जाएंगी। और अगर यहां पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, तो फिर ये लीव्स कन्वर्ज कर जाती है। यानी चार्ज कितना है किसी बॉडी पर, ये आइडेंटिफाई करने के लिए अपन किसको काम में लेते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप को काम में लेते हैं। अब अपन चार्ज के बारे में केवल एक टॉपिक अपना रह गया है कि चार्ज की यूनिट्स क्या होती है, वो यूनिट्स और अपन देख लेते हैं। चार्ज जो है, इसकी यूनिट्स के बारे में हम देखें तो सबसे पहले अपन ऐसा यूनिट के बारे में देखते हैं कि चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है। यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट है कूलम। बेसिकली कूलम ही सबसे ज्यादा काम आता है। एमकेएस यूनिट की बात करें, एमकेएस यूनिट है चार्ज का फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई मीन्स करंट एम्पियर, इंटू टी मीन्स टाइम, टाइम मीन्स सेकेंड। तो एमकेएस यूनिट हो गई एम्पियर इंटू सेकेंड। सीजीएस यूनिट की बात करें, चार्ज की सीजीएस यूनिट हो गई स्टेट कूलम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो सबसे छोटी यूनिट होती है वन ईएसयू, वन इलेक्ट्रोस्टेटिक यूनिट। वन इलेक्ट्रोस्टेटिक यूनिट में वन अपॉन थ्री इंटू टेन टू पावर नाइन कूलम होते हैं। एंड द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज वन फेराडे। वन फेराडे इज इक्वल्स टू 96,500 कूलम। एक अदर यूनिट और भी चलती है चार्ज की, अदर यूनिट चार्ज की है वन ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एंड वन ईएमयू इज इक्वल्स टू 10 कूलम। तो ये सारी चार्ज की यूनिट्स हो गई।